नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जयपुर के विभिन्न मंदिर प्रबंधन में श्रद्धालुओं के लिए पोशाक तय कर दिया है। इसके तहत भक्तों से शालीन कपड़े पहनने, मिनी स्कर्ट, कटीफटी, जीन्स आदि पहनने से परहेज करने का आग्रह किया गया है। क्वींस रोड पर जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर प्रबंधन ने गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में श्रद्धालुओं से शालीन कपड़े पहनने और मंदिर में प्रवेश करने के दौरान परंपरा अनुरूप कपड़े पहनने का आग्रह किया गया है। हाफ पैंट, बरमूडा, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटीफटी जीन्स और कैप्री पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष जयप्रकाश सुमानी ने बताया कि ये केवल भक्तों से आग्रह है। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्वयंसेवक इसकी विशेष तौर पर निगरानी रखेंगे। तो जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर जो कि क्वींस रोड पर है, जहां पर सावन के महीने में खासतौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, उसमें अभी नोटिस चस्पा यहां पर मंदिर कमेटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है। संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए मंदिर के लिए मंदिर प्रबंधकों ने एक ड्रेस कोड तय कर दिया है। श्रद्धालु अब उसी ड्रेस कोड में मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इसी के चलते आज हमारे साथ में मौजूद है मंदिर के जो अध्यक्ष है, वो हमारे साथ में मौजूद है। उनसे जानेंगे कि मंदिर का जो ये ड्रेस कोड तय किया गया है, ये किस हिसाब से तय किया गया है। सर, जो मंदिर का ड्रेस कोड तय किया गया है वो किस हिसाब से तय किया गया? अभी तक मंदिर का ड्रेस कोड तय नहीं किया गया है। अभी हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि जिससे कि अपने भारतीय संस्कृति बची रहे, आग्रह करके उससे मान जाते हैं ठीक है, नहीं उसके बाद के अंदर हम ड्रेस कोड इसके लिए बनाएंगे। अभी देखिए, कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो ड्रेस कोड है उसके लिए आग्रह किया गया है। हमारे साथ में कई और भी जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो ड्रेस कोड है उसके लिए आग्रह किया गया है कि कटी फटी जींस स्कर्ट ये मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जी, ये सही है, अच्छा है। अपनी संस्कृति के बारे में अपनी पहचान बनाना, एक स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, उसकी संस्कृति को कायम रखने के लिए। जी देखिए, और भी हमारे साथ में जो श्रद्धालु है वो मौजूद है कि मंदिर में जो स्कर्ट है, जो कटी फटी जींस है, सभी के लिए लागू है, महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। इसके द्वारा हम हमारी सभ्यता को दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये भगवान का मंदिर होता है, तो हमको बहुत ही शालीन कपड़ों में आना चाहिए यहाँ पे, और ताकि हमको कोई देखता है या आगे इंडिया के बाहर भी हमारे मंदिरों के बारे में बताया जाता है, तो उसके द्वारा हमारे कपड़ों को, परिधानों को देख के ही वहाँ पे हमारी परंपरा के बारे में पता चलता है। जी देखिए, कहा जा सकता है कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एक श्रद्धा भाव को व्यक्त करने का एक द्वार है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो विभिन्न मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए पोशाक तय कर दी है। इसके तहत भक्तों से शालीन कपड़े पहनने, मिनी स्कर्ट, कटी जींस आदि पहनने से परहेज करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली रोड पर जयपुर में सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर प्रबंधन ने भी गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में श्रद्धालुओं से शालीन कपड़े पहनने और मंदिर में प्रवेश करने के दौरान परंपरा अनुरूप कपड़े पहनने की अपील की गई है। हाफ पैंट, बरमूडा, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटीफटी जींस और कैप्री पैंट पहनने पर प्रतिबंध यहां पर भी लगा दिया गया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर के साथ साथ जयपुर में दिल्ली रोड पर जो सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव है, उस मंदिर में भी ये नोटिस चस्पा यहां पर किया गया है और लोगों से शालीनता से मंदिर में आने की अपील यहां पर की गई है।